मुरादाबाद रोड स्थित हरियावाला में जीरी गोइंका पब्लिक स्कूल में गोइंकन कार्निवल का आयोजन किया गया, जिस दौरान कार्निवल में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान सभी मेहमानों को मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषिता अग्रवाल एवं स्कूल स्टाफ ने पौधा भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही शहर के जाने माने डॉक्टर व वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर रवि सहोता का प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी एवं एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने भेंट स्वरूप पौधा देकर सम्मान किया। पूरे कार्निवल में सभी बच्चों ने मिक्की माउस एवं हिंडोले में झूल खूब मस्ती की। आइए सुनते हैं इस पूरे कार्निवल के बारे में वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषिता अग्रवाल, डायरेक्टर आकाश अग्रवाल, प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी और एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने क्या कहा। आज हमने अपना सेकेंड गोइंकन कार्निवल किया था। हमने ये ट्रेडिशन लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। सो बेसिकली द होल आइडिया इज दैट दिस इज बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड ये पूरा इवेंट है। इसमें बेसिकली ये इसका जो पर्पस है वो ये है कि बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिले एंड हम जो स्किल्स सिखाते हैं वो जो स्किल्स हैं वो नॉर्मल स्किल्स जो आप हर स्कूल में देखेंगे वो स्किल्स नहीं है। इट्स वेस्टर्न कल्चर दैट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट हियर बट विद द इंडियन कल्चर ऑब्वियसली बट सो दैट द स्टूडेंट्स नो वॉट वेस्टर्न कल्चर इज ऑल अबाउट एंड प्लस दे नो द बेनिफिट्स ऑफ अदर डांस फॉर्म्स अदर देन द इंडियन फॉर्म्स। सो दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट। जो गोइंकन कार्निवल हमने इस बार ऑर्गेनाइज करा है इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ के कई सारे पेरेंट्स ने जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स भी नहीं है उन लोगों ने भी इसको आके अप्रिशिएट किया है। यहाँ पे उन लोगों ने कई सारी परफॉर्मेंसेस इन्जॉय करी हैं, हमारे फेट हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि काशीपुर और आसपास के रीजन्स ने स्पेशली ठाकुर द्वारा जसपुर ने हमारा प्रोग्राम में बड़ा सहयोग दिखाया। तो मैं फिर से आपके माध्यम से सबको थैंक करना चाहूँगा जो जो इस प्रोग्राम में आए एंड आर बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद द चिल्ड्रन एंड आर पेरेंट्स। थैंक यू। केवल बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाते हैं, जैसे अभी दो दो एग्जाम्स चल रहे थे लेकिन वो पीरियड्स हमने टच नहीं किए। हमने जीरो पीरियड क्रिएट करके ये 40 मिनट का प्रोग्राम रखा ताकि बच्चे लाइफ स्किल भी सीखे। आप तो देख ही रहे हैं कि सब कुछ हमारे बच्चे कर रहे हैं, शो भी और गेम स्टॉल्स भी सब जगह बच्चे करते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ हम लोग इंडियन कल्चर को भी लेकर चलते हैं ताकि बच्चे ठीक से अपना मतलब सीखे, अपना कल्चर को भी पकड़ के रखे। जैसे योगा आपने देखा तो रोज योगा करवाया जाता है, ऐसी बात नहीं कि अभी स्टेज पर करवाया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ऊंचाई तक पहुंचे और सब तरह से एक प्रॉपर इंडियन के रूप में टॉप करे वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आकर हमारे ये जो संदेश है वो सब पहुँचा रहे हैं सब तक। आज की इस कार्निवल का जो सबसे मेन फैक्टर रहा है जो सभी को नहीं पता है कि इसका जो रिबन काटा है, आज जो इनॉग्रेशन हुआ है इस कार्निवल का, वो किसी VIP या किसी चीफ गेस्ट या किसी MLA MP ने नहीं किया है। वो उन्होंने क्या कहा है हम लोगों ने कि जो हमारे स्कूल की ओल्डेस्ट टीचर हैं रूप गोयल मैम, जो PGT English हैं, सीनियर PGT English, उन्होंने रिबन काट के इसका इनॉग्रेशन करा है जो कि क्रिसमस की ईद पर इस कार्निवल का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों को, उन VIPs लोगों को जो कि संडे का दिन पूरे हफ्ते लोग प्लान करते हैं कि संडे को ये करेंगे वो करेंगे, पूरा प्लान उनका शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी वो आज उन्होंने पूरा अमूल्य समय यहाँ पर आके दिया। और आज की गैदरिंग जो हम सोच रहे थे कि शायद 1200-1500 तक होगी, लेकिन जैसा मुझे पता लगा जा रहा है और लोग बता रहे हैं कि 2000 तक हमारी आज गैदरिंग हो गई है और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सारे बच्चों ने जो हमारे थे करीब 460 स्टूडेंट, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स है, बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया। मेरे ख्याल से हमें बधाई देनी चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरीके के कार्निवल्स कर रहे हैं और जहाँ पे सोशल लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, इंट्रैक्शन भी हो रहा है और बच्चों के लिए भी एक अच्छा एक्सपोजर है और अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं कंग्रेचुलेट करूँगा फिर से जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन को, बधाई दूंगा कि सक्सेसफुली कम्प्लीट। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।